प्रदूषण विभाग की टीम ने बद्दी में पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले 22 लोगों के चालान कर लगभग 15,000 रुपए जुर्माना वसूला है। प्रदूषण बोर्ड के जेई अभय गुप्ता के नेतृत्व में सुप्रिटेंडेंट प्रेम सकलानी, अभिषेक रूपलाल व राजेश कुमार की टीम ने बद्दी साई मार्ग पर देर रात रेहड़ी फड़ी लगाने वाले दुकानदारों के चालान काटे और उसके बाद बुधवार सुबह सब्जी मंडी में पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। इस दौरान टीम ने करीब 15,000 रुपए का जुर्माना ही वसूला। जानकारी देते हुए प्रदूषण बोर्ड के जेई अभय गुप्ता ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर विभाग ने टीम का गठन किया है जो पॉलीथीन के प्रयोग को पूरी तरह से रोकने का कार्य करेगी। उनका उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं है बल्कि दुकानदारों को पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। चली है ये, कल से नहीं चली है, पिछले महीने से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चला था और मुख्यमंत्री जी ने भी जिसका शुभारंभ किया था उसकी ही कड़ी है। उस टाइम हमने सब लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि पॉलीथीन मत यूज़ करो, बद्दी बॉर्डर इलाके होने के कारण यहाँ पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है। अब हम सबको प्रार्थना कर चुके हैं, अब हमने पिछले दिन और आज चालान किए, लगभग 22 चालान करे हैं हमने और लोगों को बोला है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि पॉलीथीन यूज़ ना करें। मैं आपके माध्यम से बाकी अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट के तहत चालान करने के लिए वो है बाध्य हैं, कि वो भी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दें और जिला दंड का अधिकारी महोदय मैडम ने भी इसके लिए निर्देश दिए हैं। जो अभी रिसेंट में मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें सबको बोला है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट दे कि आपने पॉलीथीन के कितने चालान करे, ताकि हमारा सोलन जिला एवं बद्दी और बीबीएन एरिया साफ सुथरा बना रहे। जय हिंद, जय भारत।